हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बजे हैं सुबह के 11:30। हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये देखिए मम्मी, हेलो बोलो। हेलो परीक्षित सूर्यवंशी, हेलो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। ये पीकू के पापा और ये रणवित राज। अभी हम में से केवल मम्मी नहीं है, हम सब लोग लेट उठे हैं एज यूजुअल। मम्मी जल्दी उठकर पूजा कर काम कर बैठी हुई थी, मैं उठी हूँ। मैंने केवल नाश्ता बनाया, अभी मैं जा रही हूँ नहाने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें आज काम वाली मिल गई है। मज़े की बात ये है तो आज बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं हम लोग। कल से हमारे झाड़ू पोछा बर्तन सब हो जाएंगे, हमें बस खाना पीने काम रहेगा बस। क्यों किशमिश। अरे हाँ गाइस, आप लोगों को एक बात बतानी है, अगर जिसको पोहे में मजा नहीं आता है और शुगर नहीं डालना चाहते तो मम्मी का एक ऑप्शन है शुगर फ्री लोगों के लिए। डायबिटीज हो कुछ हो तो आप पोहे में चीनी ना डालकर ऊपर से किशमिश डालिए, ऑसम टेस्ट आता है। मैं दांत बाहर रहा हूँ मुंह के अंदर, तो ये है मेरा दांत, ये देखो, जो मैं कल नहीं दिख नहीं रहा था आप लोगों को। देखो इधर नीचे एक वो नहीं है, चलो हाँ डालने की कोशिश करूँगा। इसको इधर लगा दो। इधर क्यों? हम तो पौधे में लगाना चाहते हैं ना, जैसे तो इसी यहाँ लगा दो। डालने के लिए पहले वो तो चाहिए। नहीं ऐसी लगा दो, ऐसी लगा दो। डंडी तो चाहिए, डंडी चाहिए। ये वाली से कर लो, ये वाली डंडी से। बिल्कुल हार्ड डंडी। ये रही हार्ड वाली, पैर के पास मेरे। देखो ये रही। चलो। लगाने के लिए हमें खोदना चाहिए। कैसे? सीधा लगाऊं? इधर। कहाँ है? डाल दिया। ठीक है। इसे अब मैं वो कर देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय। बाय बाय। हे गाइस, अभी मैं नाश्ता वगैरह के टाइम आपसे मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे कामों में बिजी हो गए। आज सुरेन जी भी जा रहे हैं वडोदरा वापस हम लोगों को छोड़कर। अभी मैं उसी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। मैं बनाऊंगी उनके लिए ट्रेन के लिए आलू एंड पूड़ी। ये देखिए अभी आटा मल रही हूँ मैं, आटा मलने के बाद आलू पूड़ी बनेगी आज ट्रेन मिल जाने के लिए, और हम लोग भी वही खा लेंगे क्योंकि दो दो अभी क्या लंच का भी टाइम है। ये 5 बजे की ट्रेन है तो 4 बजे उनका खाना वाना पैक करके भी रखना है, तो अभी इसलिए हम लोग वही लंच करेंगे और वही उसको मैं पैक करके रख दूँगी। पूड़ियों के हिसाब से या पराठे भी सेट है, मतलब पूड़ी पराठा जो वो बोलेंगे वो बना के हम दे देंगे। अभी वो गए हुए हैं किसी काम से, बिकॉज कोई जाने से पहले 50 काम रहते हैं कि घर में ये रख के जाना है, वो रख के जाना है। ये थोड़ा एडजस्टमेंट एंगल ऐसा है ना कैमरे का, मैं आपको शायद सही दिख रही हूँ। नाइस। तो अभी उसमें लगे हुए हैं, ये आटा भी गूंथ गया मेरा, और ये ढक दिया आटा, वरना मम्मी से डांट पड़ती है। किचन में हो तो हर चीज़ ढकनी है, नहीं ढकोगे तो मम्मी किचन में आ गई ना और देख लिया कोई भी चीज़ ओपन है तो बाप रे, फिर तो आप गई काम से। ये देखिए ये आटा हो गया, ये यहाँ पे चढ़े हुए हैं, आटा गूंध गया है। मैं बाहर आ गई हूँ, अभी ये मम्मी रेस्टिंग मोड पर है। आज
वैसे हंसती दिख रही हैं, लेकिन वैसे उदास हैं क्योंकि बेटा जा रहा है ना। तो ये मम्मी हमारी रेस्टिंग मोड पर उदास होती है। कोई नहीं, हम तो हैं मम्मी। ये सुरेंद्र जी आ गए हैं और नहा लिया है उन्होंने। और बेबी जा रहे, कैसा लग रहा है, मजे आएंगे? हम लोग तो नहीं होंगे तो मजे ही आएंगे ना, ऐसा तुम लोगों को लगता है ना। अच्छा, बच्चों की चेचे खत्म, बीवी के टैटे खत्म। वो एक या दो दिन अच्छा लगता है, फिर नहीं। फिर क्या लगता है? फिर बोरियत से भरा हुआ शाम, सुबह 8 से 5 के बाद की। अच्छा, जब हम लोग होते तब तो बहुत बोलते हो, ये रोते रहते हैं और रश्मि ये करो वो नहीं करती तुम, ये नहीं करती तुम। आदमी बोल बच्चों को पीटता है तो समझ लो क्या उन्हें प्यार नहीं करता क्या? ओ बेबी, ठीक है मैं मान गई कि तुम हमें प्यार करते हो। अभी जब हम जाएंगे तो रोज कॉल करना वीडियो कॉल, और वहाँ पे अपना ख्याल रखना, ठीक है? आलू वालों, आलू के लिए अलग फरमाइश है। एक को आलू का पराठा, एक को आलू का क्या चटनी, आलू की चटनी, किसी को सूखे आलू, किसी को आलू का झोल खाना है। बस आलू बनने चाहिए, बस अलग अलग फरमाइशें चालू हो जाएंगी। और एक तो हमारी कौन सी फैमिली है, चाय चौकड़ फैमिली। चाय कभी भी पूछ लो चाय पीनी है, सबके कान खड़े हो जाएंगे, हाँ 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 हमें पीनी है, हमें पीनी है। इवन ये छोटा लड़का, उससे भी छोटा लड़का, सब चाय पीते हैं हमारे यहाँ पे। मतलब वैसे देनी नहीं चाहिए बच्चों को चाय, अच्छे माँ बाप वही हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन पता होगा बच्चों को कि बच्चे, मतलब सॉरी माँ बाप को पता होगा कि बच्चे जिद, माँ बाप झुक जाते हैं। तो चाय पीना हमारे घर में एक हॉबी है, हॉबी। कभी भी पिला लो, किसी भी टाइम पिला लो। रात में 2 बजे भी उठा के बोलोगे ना किसी को चाय पीनी है, हाँ 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 पी लेंगे। सबकी चाय की फरमाइश तो ऑलवेज रहती है। अभी क्या कर रहे हो? शूज है ना, साफ कर दूंगा। जाने का वक्त हो ही गया है और तुम शूज पॉलिश कर रहे हो। मतलब ये ले जाने ना 2-4 शूज मेरे को। क्यों? लेके जाऊंगा, खराब हो रहे हैं। ये तो है, बारिश के मौसम में ना सब चीज में फंगस लग रही है। क्या हुआ रंजु बॉय? पापा के संग बैठ के काकल ले मिल गई थी। तुम लोगों के शूज निकाल लें मम्मी के, ये क्या नाम है? नहीं नहीं अभी कुछ मत निकालो यार, अभी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। क्या काकल ले मिल गई थी? पापा की हेल्प, जूते देख ले मिल गई था। रंजु गए पापा, मैं पहले वो खा रहा था, मैं भूल गया आपको खिलाना। कोई बात नहीं, चलो अंदर चले। हाँ हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही निकल गए हैं हम लोग, आराम से बैठे हुए हैं। अभी फोन वोन आएगा पता चलेगा कि बैठे हैं ट्रेन में, कब चली है ट्रेन, अपडेट करते हैं आपको। रंजू पी को हम सबसे उदास लग रहे होंगे आप। मैंने सुना है कि तूने परीक्षित, तूने रणवीर पे गुस्सा किया है। मैं तो नहीं करा, मैंने बोला था कि तू बेकार दिखा रहा था, हिला कर रहा था। तुम्हें कैसे बताऊं? कुछ
कुछ नहीं कर सकते इन दोनों का, पूरा टाइम लड़ते रहते हैं। कोई नहीं मेरे रंजी रानी, चलो अपने भाई को प्यार, नो रानजू नो लड़ाई, चलो प्यार करो, बढ़िया ने प्यार किया, चलो आप भी प्यार करो। वेरी गुड बॉयज, ऐसे अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं ना बच्चे। हम गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं करेगा वो गुस्सा नहीं करेगा। आप बाकी सब गाइस, अब हम रात हो गई है, सुरेंद्र जी के जाने के बाद हमने कुछ ऐसा खासम खास कुछ करा नहीं, ऐसे ही बैठे रहे, थोड़ा वॉक करके आए। अच्छी बात यह है कि हमारी काम वाली आई थी तो शाम के बर्तन नहीं धोने पड़े, शाम के बर्तन धुल गए, किचन चकाचक हो गई, घर भी साफ हो गया। तो आज शाम को हमने ऐसा कुछ भी करा नहीं, बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, वीडियो कुछ नहीं बनाई। अब भी ये टाइम है हमारे दूध का, बच्चों के लिए दूध लेकर जो आई हूँ वो है थोड़ा ज़्यादा गर्म, और मम्मी को पसंद है सबसे ज़्यादा खौलता हुआ दूध, तो मम्मी को मिलेगा खौलता हुआ दूध। और बच्चों के लिए अभी रखा हुआ अनु, गिलास में पीने वाली थी ना, कोई नहीं इसमें पी लो आप। अरे रनु हमने टाइगर दिखा रहा है, क्या है, लॉयन टाइगर, लॉयन टाइगर। हाँ तो अभी क्या हुआ कुछ, अरे भैया हमारे पीकू को जरूर देखो, वेटिंग फॉर मिल्क। हेलो, अभी क्या है ना, क्या हुआ शाम को, हम लोग इतनी गर्मी थी ठंडा, अब भी जस्ट खोला के लाई मम्मी, वो भी ठंडा हो गया, बाप रे। तो इतनी गर्मी थी, हम लोग शाम की वॉक नहीं करी, अंदर आ गए। फिर अब अंदर आके हम लोग बैठे ही थे, रात हो गई, अपना डिनर वगैरह किया। बोलो पहले, आप ही बोल लो पहले, रन्नू आप ही बोलो ना बेटा। अब मम्मा बोल ले, दादू की फोटो वहाँ पे रखी हुई है। हाँ रन्नू दादू की फोटो बता रहा है, दादू की फोटो रखी हुई है। तो क्या हुआ, मैं डिनर वगैरह बनाने के बाद अपना अंदर बर्तन मतलब किचन सेट करने गई थी, तो मम्मी ने बोला, कुछ बोल रही थी मम्मी जो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कपड़े लिया कुछ ऐसा ही बोल रही थी। तो मम्मी को ऐसा लगा कि बारिश ना आ जाए, और अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी ने गेट खोल के देखा तो बाहर बारिश आ रही थी। हाँ क्या बोला मम्मी आपने, मैंने बोला किचन के कपड़े पड़े हैं बाहर, तो किचन के कपड़े उठा के ले आओ। तो मैंने सोचा वो तो दूध घर बना रही है, तो क्यों ना मैं ही ले आऊं जाके, तो देखा तो बारिश हो रही है। मतलब बात तो तीसरी थी, पर बात ये है कि मम्मी जो बोलती है ना वो मोरल आई थिंक 80% सच हो जाता है, गजब की इंस्टिंक्ट पावर है मम्मी में ना, 80% चीज हो जाती है। अब वो भाई प्योर हार्ट है इसलिए कुछ। ओके बेटा आप जंप करो, पूरा दिन बैटरी इनकी चार्ज रहती है, पूरी रात चार्ज रहती है, जब देखो तब इनकी बैटरी चार्ज ही रहती है। लेकिन हम लोग अभी डिस्चार्ज हो गए, हमें अब सोने जाना है। फिलहाल तो हम सोएंगे नहीं, दूध वूध पीने के बाद थोड़ी बहुत बातें चटकाएंगे, उसके बाद हम लोग सोएंगे। आज सुरेंद्र जी भी गए हैं तो थोड़ा माहौल में उदासी है, पर इतनी भी नहीं है, वैसे भी वो तो गुस्से से में रहते हैं, पर हाँ ये है कि उदास माँ का दिल तो उदास होता ही है ना, ऐसे ही थोड़ा सा हूँ मैं भी, मतलब लिटिल बिट 20-30% उदासी है, बट इट्स ओके। तो अभी अच्छे वाले मोड में हम लोग बाय करते हैं, पीकुरनों को आगे बढ़ाओ, प्यार दो, सब लोग खुश रहो, सब अपना ध्यान रखो, बाय बाय। Stay safe and stay happy. Bye. Bye.